कैप्टन साहब अब धीरे धीरे केजरीवाल साहब की नकल करने लगे हैं, और आज अरविंद केजरीवाल जी से सीख लेते हुए उनकी नकल करते हुए कैप्टन साहब ने पंजाब में एक कोशिश करी कि महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी जाए। कहावत है ना कि भाई नकल में भी अकल चाहिए, ये जरूर नजर आया कि नकल करने की कोशिश करी गई लेकिन अकल नहीं लगाई गई। लेकिन प्राइवेट बसों में महिलाओं के सफर को कैप्टन साहब की सरकार ने फ्री नहीं किया, एसी बसों में महिलाओं के सफर को कैप्टन साहब ने फ्री नहीं किया, वॉल्वो बसों में महिलाओं के सफर को कैप्टन साहब ने फ्री नहीं किया। 70% से ज्यादा रूट्स पर दौड़ने वाली बसेस प्राइवेट हैं, सरकारी नहीं है। केजरीवाल साहब की नकल करनी शुरू करी, अच्छी बात है, नकल करिए, लेकिन आज नकल करनी है तो पूरी नकल करिए। हमारे सूबे में पंजाब में सारी महिलाओं के लिए हर बस में यात्रा सफर फ्री करिए। वेलफेयर स्कीम्स है उनको कॉपी करना है, नकल करनी है तो फिर नकल पूरी करो। अगर हमसे सलाह करनी है तो हमसे सलाह भी कर लो, हम आपको मुफ्त में एडवाइस भी दे देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एडवाइस भी दे रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि पंजाब में मैक्सिमम बसेस जो दौड़ती हैं सड़कों पे, ज्यादातर रूट्स पे जो बसें चलती हैं वो सारी प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट बसों को भी फ्री किया जाए। यह आम आदमी पार्टी मांग करती है। इन खोखली नीतियों, इन खोखली स्कीमों से आप महिलाओं की, पंजाब सूबे की महिलाओं की आंख में धूल झोंकने का काम मत करिए कैप्टन साहब।